मटका लस्सी वाला। एक गांव में हरि और उसका बेटा चरण एक लस्सी शॉप डाले। आइए बाबू आइए, ठंडा ठंडा लस्सी, मटके का लस्सी, बाबू आइए कहकर चिल्लाने लगा। वो गर्मी के दिन होने के कारण ग्रामवासी सभी आके लस्सी पीते थे। कुछ दिनों के बाद हरि के दुकान के पास रामलाल नाम का एक व्यक्ति लस्सी शॉप खोला। उससे हरि और चरण के व्यापार में ज्यादा मुनाफा नहीं निकला। एक दिन चरण अपने पिता से, पापा हम जब पहले इस एरिया में लस्सी शॉप डाले तो हमें बहुत मुनाफा होता था, पर ये रामलाल कमबख्त हमारे मुकाबले में दुकान डालने पर हमारा धंधा चौपट हो गया। देख बेटा, इसमें गलती क्या है, कोई भी यहाँ व्यापार कर सकता है। वैसे उसके व्यापार के बारे में सोचना छोड़ के हमारा व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में सोच। ठीक है पापा। एक बार पिता, अरे चरण बेटा, दुकान में दूध और शक्कर खत्म हो गए हैं, हमारे गोविंद के किराने शॉप में जाके दूध और शक्कर लेकर आ। तब चरण गोविंद के किराने शॉप में गया। गोविंद अंकल, एक लीटर दूध और एक किलो शुगर तो देना। अरे चरण बेटा, दूध और शक्कर दोनों खत्म हो गए हैं, कल मैं तुझे देता हूँ, आ जा। तो चरण अपने पापा के पास आकर, पापा दूध और शक्कर खत्म हो गए हैं, कल आने के लिए बोले। कल तक अगर हम दूध और शक्कर लेकर नहीं आए तो व्यापार हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा, कहीं और मिलेगा तो पहले से ढूंढ के रखना होगा। अगले दिन चरण गोविंद के किराना शॉप में गया। अंकल दूध और शक्कर चाहिए। चरण बेटा, अभी एक आदमी आके पूरा दूध और पूरा शक्कर खरीद के ले गया। वैसा क्या, ठीक है तो मैं कहीं और ढूंढ लूंगा, कह के दूसरे दुकान में गया। वहां पे भी नहीं मिलने पर उसे शक आके गांव के हर दुकानदार के पास जाके पूछा। हर जगह नहीं शब्द सुन के चरण उदास होके पिता के पास आया। पापा, गांव के हर किराना शॉप में जाके पूछा पर हर कोई ना ही बोल रहे। वो क्या, पूरे गांव में दूध और शक्कर कैसे खत्म हो गए, मुझे कुछ शक आ रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। अगले दिन एक पेड़ के पीछे खड़े रह के चुपचाप से बाप बेटे दोनों देखने लगे। तब रामलाल सारे दुकानों में से दूध और शक्कर खरीद के अपने घर में छुपा के रखना देखकर दोनों आश्चर्य हो गए। चरण के पिता तुरंत गांव के सरपंच के पास जाकर, साहब आप सबको तो मालूम है ना कि मैंने एक लस्सी शॉप खोला है, रामलाल ने भी मेरे मुकाबले लस्सी शॉप खोला, उसमें बुराई क्या है, व्यापार तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, पर वो गांव की सारे दुकान में से शक्कर दूध और मटका खरीद के अपने घर में स्टॉक रख रहा है, इसलिए मुझे दूध मटका और शक्कर नहीं मिल रहा है। सच में, तो चलो रामलाल के घर पे जाएंगे। वैसे सभी रामलाल के घर पे गए। आइए सरपंच बाबू आइए, कैसे आना हुआ, तुम गांव के सभी दुकान से दूध शक्कर और मटके खरीद के तुम्हारे घर पे छुपा के रख रहे हो, ऐसा मुझे शिकायत मिली। ये हरि बड़ा कमीना है, उसके व्यापार से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है सोच के मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है। ऐसा क्या, तो ठीक है एक बार तुम्हारे घर की तलाशी लेते हैं, तू कौन होता है रे मेरे घर पे चेक करने के लिए। यहां पे न्याय के बारे में विचार चल रहा है, मैं सरपंच होने के नाते आदेश दे रहा हूं, तुम्हारे घर में एक बार चेक करना है। कह के घर के अंदर जाके देखा तो वहां पे मटके शक्कर की बोरियां दूध के कैंस वगैरह थे। देख भाई रामलाल, तू जो व्यापार कर रहा है उसमें स्वार्थ भरा हुआ है, तुरंत खुद को तू नहीं बदला तो तुझे कठोर शिक्षा मिलेगी। तब से हरि का व्यापार फिर से जोर पकड़ा। जादुई टेबल फैन। एक गांव में ब्रिजेश और अमरीश नाम के दो दोस्त एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे। ब्रिजेश बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो ईमानदार था। अमरीश लालची था, वो खराब टीवी और फ्रिज को कस्टमर्स को बेचने लगता था।
एक दिन अमरीश ब्रिजेश से, अरे सुन यार, हमें एक बढ़िया सा मौका मिला है। एक चाइना के कंपनी ने कहा है कि यदि हम पहले से ही पैसे भेज देंगे तो वो बहुत कम दाम में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड सप्लाई करेंगे। अगर एक साल में हमने वो सारा स्टॉक बेचा तो हम करोड़पति हो जाएंगे, पर पहले हमारी लागत 50 लाख होगा। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है यार, अब तू ही किसी तरह उधार करके पैसे लाया तो हम दोनों के परिवार सेटल हो जाएंगे। ब्रिजेश ने थोड़ी देर सोचकर हाँ कहा। यूं ब्रिजेश ने अपना घर गिरवी रखा, गांव में बहुत सारे लोगों से उधार लिया और वो पैसे अमरीश को दिया। कुछ दिन बाद अमरीश ने आकर, अरे अपना बेड़ा गर्क हो गया यार, जिस जहाज में अपना सामान आ रहा था वो डूब गया, हमने इंश्योरेंस भी नहीं किया था यार, सब मेरे वजह से हुआ है, मुझे माफ करना यार, कहकर रोने लगा। ब्रिजेश अचंभित रह गया। थोड़ी देर बाद अपने आप को सुधारते हुए, वो ठीक है यार, अब रोना बंद करो, विधि के विधान को कौन रोक सकता है, ये शॉप और मेरा घर और मेरे पत्नी के गहने बेचकर हम उधार चुका देंगे, बाद की बात भगवान के हाथ में है। क्या शॉप बेचोगे? इसमें मेरा 50% हिस्सा है। तुमने जो उधार किया वो तुम्हारा अपनी जिम्मेदारी पर था, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। चाहो तो इस दुकान को अपना 50% मुझे बेच दो, ये लो पैसे, कहा। ब्रिजेश दंग रह गया, वो समझ गया कि अमरीश ने उसे धोखा दिया है, लेकिन उधार चुकाना था और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए उसने वो पैसे लेकर दुकान को उसे सौंप कर चला गया। ब्रिजेश यूं अपना घर और गहने बेचकर उधार चुकाया, पर थोड़ा सा उधार रह गया था। ब्रिजेश, उसकी पत्नी भावना और बेटा अप्पू एक झोपड़ी में रहने लगे। अपने ही दोस्त के धोखा और कर्जदारों के दबाव से मानसिक रूप से परेशान होकर ब्रिजेश ने खाट पकड़ लिया। भावना के पास इसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। पति और बेटे के पोषण के लिए वो 4-5 घरों में काम करने लगी। एक दिन जब अप्पू स्कूल में था तो हेडमास्टर ने आकर, बेटा अप्पू, समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, तुम्हारे पिताजी ने अब तक स्कूल के फीस नहीं भरा है। स्कूल का मैनेजमेंट जान चुकी है कि तुम लोग पैसे भरने की स्थिति में नहीं हो। उन्होंने कहा है कि अगर तुम कल तक फीस नहीं भर पाए तो स्कूल आने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने दुखी होकर कहा। बाकी बच्चों ने भी अप्पू की ओर तरस खाते हुए देखा। अप्पू निराश होकर घर की ओर जा रहा था। धूप ज्यादा थी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई और वो सो गया। तभी उसके चेहरे पर ठंडी हवा लगने लगी। आंख खोलकर देखा तो वहाँ एक टेबल फैन था। अरे यहाँ टेबल फैन किसने रखा, ऐसा उसने सोचा। तभी फैन में से एक आवाज आई, मैं साधारण टेबल फैन नहीं हूँ, जादुई फैन हूँ। अप्पू डर कर उठकर खड़ा हुआ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार बहुत नेक है, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। वैसे भी तुम्हारा और मेरा कई सालों का रिश्ता है। अब जो हमारा हाल है उसमें हमें फैन और फ्रिज की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। मैं सिर्फ हवा नहीं देता, तुम जो भी चाहोगे उसे सोचकर मुझे ऑन करो, तुम्हें वो मैं दूंगा। अच्छा सच्ची, मुझे प्यास लगी है, एक कोल्ड ड्रिंक देना। यूं कहकर उसने फैन को ऑन किया, वो फैन घूमने लगा, उसमें से एक कोल्ड ड्रिंक आया और उसके हाथ में जाकर गिरा। अप्पू हैरान हुआ। अप्पू खुश होकर उसे लेकर घर गया, जो हुआ अपने माँ बाप को बताया। वे भी हैरान हो गए, उनको अच्छा भोजन खाकर बहुत दिन हो गए थे, इसलिए अच्छा भोजन की इच्छा करके उन्होंने टेबल फैन को ऑन किया। उसमें से कई किस्म के व्यंजन उनके सामने आए, वे पेट भर कर खाने लगे। उधार चुकाने के लिए और अपना घर वापस लेने के लिए पैसों की इच्छा की, बस उसमें से पैसों की गड्डी आने लगे। अप्पू ने माँ के गहने के भी मांग की, उसमें से सोने के गहने भी प्रकट हुए। उन्होंने फिर से घर खरीदा, गांव के लोगों का उधार चुकाया। ब्रिजेश की तबीयत सुधर गई और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप खोला। अप्पू ने स्कूल के फीस भरकर स्कूल जाने लगा। वे उस फैन से मिले पैसों से गरीबों की भी सहायता करने लगे। ये सब देखकर अमरीश समझ नहीं पाया कि इनको पैसे कहां से मिले। एक दिन उसने उन्हें फैन से पैसे निकालते हुए देखा। अच्छा तो ये बात है, ये फैन चुरा कर करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा और उस दिन रात को उसने उस फैन को चुरा लिया।
और अपने घर ले गया। अपने घर पर जादुई फैन मुझे तुरंत एक 10 करोड़ फेंकना कहकर उसने फैन ऑन किया। फैन तेजी से घूमने लगी, बस वो फैन के अंदर चला गया। वो फैन फिर से ब्रिजेश के घर पर प्रकट हुआ। उस दिन से अमरीश किसी को नजर नहीं आया। एक दिन ब्रिजेश उस फैन को साफ कर रहा था। उस फैन पर लिखा था ब्रिजेश खेर जी की याद में। ब्रिजेश वो देखकर चकित रह गया। भावना और अप्पू से, मुझे अब याद आया, ये फैन मेरे परदादा इस्तेमाल करते थे। उनका नाम ही मुझे रखा गया। उनका स्वर्गवास होने के बाद मेरे पिताजी ने उनका नाम लिखकर इसे बहुत साल इस्तेमाल किया। उसके बाद हम गांव और घर बदलते रहे तो ये फैन कहीं मिस हो गया था। दोनों हैरान होकर देखने लगे। तीनों ने उस फैन को प्रणाम किया।